आपको हम अपडेट करते हैं। यहाँ पर वापस से एक बार माहौल गरमाया है, शायद किसी परिवार के नुमाइंदों को यहाँ पर लाया गया है उनको समझाने के लिए। देखते हैं कहाँ तक वो कामयाब हो पाते हैं। अभी तक तो पुलिस बैकफुट पे ही जाती रही है। अब सामने महिलाओं ने अपना, जितनी अभ्यर्थी महिलाएं हैं उन्होंने रास्ते को जाम कर दिया कि आगे नहीं बढ़ने दिएगा। सामने जो अभ्यर्थी पूरी अपडेट दे रही थी उसके पिताजी उनके सामने उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। अभी लड़की के जो पिताजी हैं उनसे इंटरेक्शन आप सामने सामने प्रोग्राम बाप बेटी का वो क्या कह रही हैं सुने जरा सा, अपडेट करेंगे हम आपको थोड़ी देर में। अपने पिता की भी बात को उन्होंने नकार दिया और पिताजी ने उनको नीचे, उसके पिताजी ने काफी कोशिश की मगर उन्होंने बात को नकार दिया। और पिताजी को कहा कि आप फिक्र ना करें, सरकार जरूर सुनेगी। फूफा जी ने भी अपनी रिक्वेस्ट की वापस से एक बार किए लेकिन यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। बराबर उनको जवाब दे रही हैं और उनको ये बता रही हैं कि ये लड़ाई हक की लड़ाई है और ये लड़ करके जीत करके ही नीचे उतरेंगी, इससे पहले ये नीचे नहीं आएंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम देने की कोशिश वो करें लेकिन बराबर वो अपना जवाब दे रही हैं। सरकार की लड़ाई और उनकी लड़ाई बता रही है, घर वालों से कोई मतलब नहीं। एक तरफ सरकार के ऊपर विश्वास जमा कर बैठे हुए हैं ऊपर कि सरकार जरूर उनकी बात सुनेगी और इस चीज़ का फैसला लेकर के ही नीचे उतरेंगी, इससे पहले नीचे उतरने का नहीं है। यहाँ देख रहे हैं मजमा बढ़ता जा रहा है, जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है वैसे मजमा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि सर्दी जो है अपने शबाब पे धीरे धीरे आ रही है और मजमा भी अपने शबाब पर आता जा रहा है। महिलाओं ने देखिए यहाँ पर डंडे डाल करके और सामने लाठियां लेकर खड़ी हैं, कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। ये इन्होंने अज़्म और अपना वो इरादा कर रखा है कि इसमें इनको पीछे की तरफ नहीं हटना है और अपने कामयाबी के साथ में नीचे उतरेंगे। उन्होंने हमारी युवा
प्रशासन यही कह रहा है कि चलो ठीक है, कैसे कैसे तुम अभी भी मान जाओ, सुबह का बुलावा शाम को करा जाए, दिक्कत नहीं है, बाकी अब इससे ज्यादा और मत पढ़ो, आ जाओ नीचे आ जाओ। परिवार वालों की बात भी इन्होंने पूरी तरह से नकार दी। परिवार वाले भी मायूस। इनके जाने के लिए कोशिश की जा रही है। एक मिनट। अरे हाँ भैया, पीछे चलो भाई, चलो तो। अरे मामला खराब कर रहा है, पीछे चलो भाई। यहाँ दो लोग ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए क्या होता है उसके आगे। रोको यार, पीछे करो। लेकिन बार बार उनको रोका जा रहा है और लोगों को रोका जा रहा है। दो लोग जो आगे गए हैं और उनको महिलाओं जो अभ्यर्थी, उन्होंने रोक लिया, आगे आने नहीं दिया जा रहा है उनको। उनके हस्बैंड जो अभ्यर्थी है, उसका हस्बैंड अभ्यर्थी है, उनके हस्बैंड उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे आपस में रूबरू भी हुए और जोश में है। इस वक्त महिलाएं सभी जोश में है। पुलिस वाले को भी पीछे धकेल दिया। पुलिस वाले को धकेलने के लिए अभ्यर्थी ने पुलिस वालों को देखिए किस तरीके से अभ्यर्थियों ने पीछे धकेला और अभ्यर्थी उससे भिड़ चुके हैं, पुलिस वाले से भिड़ चुके हैं। वहां पर एडिशनल एसपी भी मौजूद हैं, राजवीर सिंह, क्योंकि वो उस वक्त में वहां पे वीडियो बना रहा था, इसलिए उसको धकेला गया। अभ्यर्थी सख्त नाराज, उनके वीडियो बनाने से सख्त नाराज हैं। उस अभ्यर्थी के पति जो मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें भी नहीं जाने दिया जा रहा है, महिलाओं ने उसे रोक लिया है। और वापस से पीछे की तरफ उनके पति को भी पूरी तरीके से रोक दिया गया। इस वक्त सभी उग्र हो चुके हैं, यहाँ पे अभ्यर्थी उग्र हो चुके हैं, किसी को आगे नहीं आने दे रहे हैं, सबको पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। यहाँ पर अभ्यर्थी जो है अभ्यर्थी पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन उग्र विद्यार्थियों को समझाते हुए उनके आपस में कुछ गर्मा गर्मी होती हुई। अरे
यहाँ पर पुलिस वालों से बात करते हुए यहाँ के अभ्यर्थी पूरे जोश में है। सुबह से डीके भाई कुलदीप सिंह चरण नाम है और हरदेव जोशी विश्वविद्यालय से पत्रकार।